नमस्कार दोस्तों, पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए भीम के नागलोक से लौटने के बाद राजा धृतराष्ट्र ने सभी राजकुमार कौरव और पांडवों को गुरु कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कृपाचार्य से विधि पूर्वक धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। जन्मजय ने पूछा, आप कृपया करके मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। इस पर वेशनपायन जी ने कहा, जन्मजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शरदवान। वह बानों के साथ ही पैदा हुए थे। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। उन्होंने तपस्या पूर्वक सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। शरदवान की गौर तपस्या और धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हुए। उन्होंने शरदवान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेजी। वह धनुर्धर शरदवान के आश्रम में जाकर तरह तरह के हाव भाव से उन्हें लुभाने लगी। शरदवान ने जब उस अप्सरा को वन में देखा तो उसकी सुंदरता की संसार में कोई तुलना नहीं मिली। उसे देखकर उनके शरीर में कपकपी होने लगी। उनके हाथों से धनुष बाण गिर पड़े। वह बड़े विवेक और तपस्या के पक्षपाती थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से अपने आप को रोका। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजाने में ही शुक्रपात हो गया जिसका उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने धनुष बाण मृगचर्म आश्रम और उस कन्या को छोड़कर वहां से यात्रा कर दी। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए वह दो भागों में बट गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। संयोग वंश राजा शांतनु अपने दल बल के साथ वहां शिकार खेलते हुए आ निकले। किसी सेवक की दृष्टि वहां पड़ गई। उसने ये सोचकर कि हो ना हो ये बालक किसी धनुर्वेद के पारदर्शी ब्राह्मण के हैं, उसने इस बात की सूचना राजऋषि को दी। उन्होंने कृपा करके उन बालकों को उठा दिया और अपनी ही संतान मानकर घर ले आए। उन्होंने उन बालकों का पालन पोषण और यथोचित संस्कार किया तथा उनके नाम कृप और कृपी रख दिए। जब शरदवान को तपोबल से ये बात मालूम हुई तब वह राजऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों के नाम गोत्र आदि बतलाकर चारों प्रकार के धनुर्वेदों विविध शास्त्रों और उनके रहस्यों की शिक्षा दी। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव तथा यादव सब ने कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। विष्णुवंशी तथा भिन्न भिन्न देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे। वेशनपायन जी कहते हैं, राजन कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर भीष्म पितामह ने अपने पोत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्य की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम में सम्मानित हो। अब इन्हें कोई साधारण पुरुष तो शिक्षा नहीं दे सकता, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने पांडवों को और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों में सौंप दिया। वह भीष्म के सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमारों को धनुर्वेद की शिक्षा देने लगे। थोड़े ही दिनों में सब के सब राजकुमार सारे शस्त्रों में प्रवीण हो गए। जन्मजय ने पूछा, ब्राह्मण द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वह कुरु देश में कैसे आए और उनका कौरवों के साथ संबंध किस प्रकार हुआ तथा वह किसके पुत्र थे? साथ ही में ये भी सुनाइए कि अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र है कैसे उत्पन्न हुआ, इस सब में सुनना चाहता हूँ। आप विस्तार पूर्वक कहिए। वेशनपायन जी ने कहा, जन्मजय गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से एक महर्षि रहा करते थे। वह सदा अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते थे। एक दिन उन्हें विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वह भारद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखा, गिरताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी तट पर खड़ी होकर वस्त्र बदल रही है। वह रूप और यौवन से संपन्न थी और जवानी के नशे के मद से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। जब उसका वस्त्र खिसक गया तब उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। उनका मन अप्सरा में आसक्त हुआ, इससे उनका वीर संकलित हो गया। तब उन्होंने उसे द्रोण नामक यज्ञ कलश में रख दिया। उसी में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेद और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भारद्वाज अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मजय अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरु पुत्र भारद्वाज नंदन द्रोण को
उस अग्नि नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। पृषद नाम से एक राजा भरद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय ही उसके भी द्रुपद नामक पुत्र पैदा हुआ था। वह भी भारद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उसकी गाढ़ी मैत्री हो गई थी। ऋषित का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पंचाल देश का राजा हुआ। भारद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शरद्वान की पुत्री कृपी से विवाह किया। वह बड़ी धर्मशीला और जितेंद्रिय थी। कृपी के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्चैःस्वर घोड़े के समान आवाज निकाली। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतना ने कहा, इस बालक के चलाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठे हैं, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह वही रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। इन्हीं दिनों आचार्य द्रोण को मालूम हुआ कि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य उनसे धनुर्वेद संबंधी ज्ञान और दिव्य अस्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चल पड़े। ऐसे ही महाभारत कथा से जुड़ी हुई विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर घंटी दबाएं। जय श्री कृष्णा।